प्रतिभा विकास मंच झारखंड शाखा विष्णुगढ़ की ओर से एक प्रतिभा खोज परीक्षा का आयोजन किया गया था और उसका परिणाम आ चुका है। परिणाम जारी करने के बाद बताया गया कि इंटरमीडिएट कक्षा में संत कोलंबस कॉलेज हजारीबाग की छात्रा आशा चौधरी ने कक्षा दसवीं में और कॉर्मेल स्कूल हजारीबाग की छात्रा श्रुति सुमन ने कक्षा नवीं में, संत पाल हाई स्कूल औरा के भोला साहब ने आठवीं और विवेकानंद सेवा आश्रम के दुलाज चंद्र कुमार महतो ने सातवीं कक्षा में, संत पाल हाई स्कूल के औरा के सचिन कुमार ने प्रथम स्थान हासिल किया है। आपको बता दें कि इस परीक्षा में 1703 छात्रों ने भाग लिया था। जारी परीक्षा परिणाम में कल सप्तम से इंटरमीडिएट तक टॉप करने वाले छात्र छात्राओं की सूची जारी कर दी गई। प्रतिभा विकास मंच झारखंड शाखा विष्णुगढ़ की ओर से 20 जनवरी 2019 को विष्णुगढ़ इंटर कॉलेज में आयोजित प्रतिभा खोज परीक्षा का आज दिनांक 3 फरवरी 2019 को घोषित किया जा रहा है और यह परीक्षा परिणाम आप सोशल मीडिया के माध्यम से प्रतिभा विकास मंच के तीनों व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक में भी देख सकते हैं। फिर भी जो विभिन्न क्लासों में जो टॉप किए हैं उनका नाम हम बताना चाहते हैं। उसमें इंटरमीडिएट क्लास में जो प्रथम स्थान लाए हैं उनका नाम है आशा चौधरी और ये छात्र हैं सेंट कोलंबस कॉलेज हजारीबाग से। इसके बाद क्लास 10 में श्रुति सुमन और ये हैं कार्मेल स्कूल हजारीबाग के। इसके बाद क्लास 9 में भोला साहब सेंट पॉल हाई स्कूल औरा से, फिर दुलारचंद कुमार महतो जो 8 क्लास में अव्वल आए हैं उसमें विवेकानंद सेवा आश्रम के हैं, और क्लास 7 में सचिन कुमार और ये सचिन कुमार हैं सेंट पॉल हाई स्कूल औरा से। तो ये विभिन्न क्लासों में जो प्रथम स्थान हासिल करने वाले छात्र थे जिनका नाम आप लोगों ने देखा। इसके बाद बाकी जो प्रत्येक क्लास में दूसरा और दूसरा के बाद जो टॉप 10 हैं उन सबों का परिणाम सोशल मीडिया में व्हाट्सएप में देख सकते हैं। और ये सभी प्रथम स्थान से दसवां स्थान तक हासिल करने वाले प्रतिभागी हैं, इनको 14 फरवरी 2019 को विष्णुगढ़ इंटर कॉलेज में आयोजित प्रतिभा सम्मान समारोह सह अंतर विद्यालय सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रतियोगिता के दौरान आकर्षक पुरस्कार दे करके सम्मानित किया जाएगा। और यह पुरस्कार श्री राम कृष्ण ट्रस्ट आश्रम सरिया, इसके बाद पार्श्वनाथ इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ट्रस्ट, इसके बाद डुमरी चैरिटेबल युवा क्लब, फिर गोपाल जी के दौलत महतो, और इसके बाद इंजीनियर इमरान अंसारी जी, और साथ ही साथ जो तीसरा पुरस्कार देंगे वो विष्णुगढ़ के जो जाने माने समाज सेवी हैं शंभु लाल यादव जी, तो इन सबों की ओर से पुरस्कार दिया जाएगा। और अंत में मैं इस शैक्षणिक क्रांति में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले क्षेत्र के सभी शिक्षकों, अभिभावकों, छात्र छात्राओं और प्रतिभा विकास मंच के सभी सदस्यों को, सभी मुख्य सलाहकारों को, पदाधिकारियों को और खास करके संयोजक और रजिस्ट्रेशन प्रभारी, सहायक रजिस्ट्रेशन प्रभारी सबों को हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद।